हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बता रहा हूं आपको इमरजेंसी टायर पंक्चर किट के बारे में, जो कि आप अच्छे से जानते हैं कि अब जो है ज़्यादातर कंपनीज ने स्टेपनी देना बंद कर दिया है और टायर पंक्चर किट देना स्टार्ट कर दिया है। इसके पीछे एक ही वजह है दोस्तों, कि एक तो पीछे गाड़ी के डिग्गी में लोड को कम करना और दूसरा जो है कॉस्ट कटिंग। तो दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं कि टायर पंक्चर किट कैसे काम करती है। देखिए, इसके साथ एक आपको किट के साथ एक प्रेशर गेज वो आता है, मतलब कंप्रेसर आएगा एक साथ में, और कंप्रेसर में आपको ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि शीशी एक बॉटल में एक केमिकल होता है, वो केमिकल आपको इसके कंप्रेसर की नोज़ल पे इस तरीके से आपको कस देना है। अब आपको करना क्या है कि जब ये आप बॉटल आप अच्छे से कस दो, आपको अपने टायर की नोज़ को खोलना है जहाँ से आप हवा भरते हैं, और आपको ये जो कंप्रेसर है इस कंप्रेसर की नोज़ल को अपने टायर की नोज़ल में कस देना है। अब काम करना है आपको ये कि आपका जो इसका कंप्रेसर का जो वायर है अपने चार्जिंग पोर्ट जो कार का होता है 12 वॉट का, उसमें लगा करके अपनी गाड़ी का इंजन जो है स्टार्ट कर देना है, और साथ ही साथ अपने कंप्रेसर को भी स्टार्ट कर देना है। और आपको 10 मिनट तक वेट करना है एटलीस्ट, जब तक आप इसका 26 PSI का प्रेशर आपके टायर में ना हो जाए। अगर 26 PSI का प्रेशर 10 मिनट में नहीं होता है तो आपको फिर पंक्चर की दुकान ढूंढनी पड़ेगी, या फिर जो है आपको रोड साइड असिस्टेंट के लिए कॉल करना पड़ेगा। और अगर PSI 26 मेंटेन हो जाता है तो आपको नोज़ल निकाल देना है और अपने पंक्चर किट को, जो आपकी ये किट है कंप्रेसर है, ये आप अपना रख लें, और साथ ही साथ इस पे जो स्टिकर चिपका हुआ वो अपने कार के स्टेयरिंग पर लगा लें। उसके बाद आपको कार जो है 10 से 12 किलोमीटर कंटिन्यूस ड्राइव करना है, और उसके बाद देखना है 10 से 12 किलोमीटर चलाने के बाद आपको प्रेशर दोबारा से चेक करना पड़ेगा। अगर ये प्रेशर आपका 30 PSI के आसपास है या 31 PSI के आसपास है, तब अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर ये प्रेशर आपका कम हो जाता है, 19 PSI से भी नीचे आ जाता है, तो आपको फिर से कॉल करना पड़ेगा रोड साइड असिस्टेंस के लिए, या फिर आपको जो है किसी पंक्चर वाले की दुकान देखनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो कार कंपनी से बहुत अच्छा ये चीज़ निकाली है, क्योंकि एक तो लोड बिना वजह जो गाड़ी में रहता है वो कम हो जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों क्या है कि गाड़ी की कंपनी जो मतलब कार मेकर्स जो हैं वो कॉस्ट कटिंग के लिए ऐसा करते हैं। तो कॉस्ट कटिंग इसलिए है कि आजकल महंगाई भी आप देख रहे हैं दिनों दिन बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं हर कस्टमर चाहता है कि उसको कम से कम रेंज में, कम से कम एक बजट में जो है कार कार खरीद सके। तो ये छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंपनी ने फैसला लिया, और साथ ही साथ एक गवर्नमेंट का रूलिंग भी है दोस्तों, और वो ये है दोस्तों कि अब गवर्नमेंट ने बोला है कि पंचर फिक्सिंग किट अब हर कार मेकर को अपनी गाड़ी में देनी पड़ेगी, जो कि मैंडेटरी कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। पर गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला था कि आप जो है स्टेपनी ही हटा लो। अब कार मेकर्स ने जब ये पंचर फिक्सिंग किट देनी शुरू करी तो स्टेपनी को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया, स्टेपनी हटाई थी, उसका ऑप्शन ही नहीं है अब। तो देखने वाली बात ये है, हालांकि ये भी बहुत यूज़फुल है, अगर कहीं भी पंचर हो जाता है तो ये बड़े काम की आपको साबित हो सकती है। बट इसमें भी एक इशू ये है कि अगर साइड वॉल यानी कि टायर के साइड वॉल में अगर कभी पंचर हो जाता है, साइड में अगर कोई इशू आ जाता है, कोई कील वगैरह लग जाती है, तो इसका जो केमिकल है वो साइड वॉल्स को कवर नहीं कर पाता और उसमें से हवा जो है लीकेज होना कंटिन्यू जारी रहता है। तो दोस्तों, इस केस में तो आपको यही करना पड़ेगा कि आपको नियरेस्ट कोई पंचर वाला या तो देखना पड़ेगा, या फिर आपको रोड साइड असिस्टेंट के लिए कॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो आपको, और हाँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और घरों में ही रहें, मास्क ज़रूर पहनें और 2 गज की दूरी का पालन ज़रूर करें, क्योंकि इस कोरोना को हमें हराना है दोस्तों, और इससे हमें जीतना है।